हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। गाइस, हमारे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है, तो हम करेंगे पैंट की कटिंग। आगे बैंड, पीछे इलास्टिक पैंट की कटिंग करने वाले हैं। तो कपड़े को हमने देखिए इस तरीके से डबल किया है। ये जो हमारी दोनों की साइड की कन्नियाँ होती हैं, उन्हें हमने आपस में मिलाया है। जो खुली साइड है उसको हमें अपनी तरफ कर लेना है और कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। अब हम स्केल लेंगे और नीचे से इसको कपड़े को सीधा करने के लिए चौक से निशान लगा लेंगे। तो हमने चौक से निशान लगा लिया है। नीचे से हम जो मोरी फोल्ड करेंगे उसके लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 इंच पर निशान लगा लेना है और स्केल से इसको भी सीधा कर लेंगे। तो साइड में जो हमारी करनी है आधा इंच की होती है, तो इस तरीके से हम आधा आधा इंच पर इसको निशान लगा लेंगे करनी पर, उस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम लंबाई लेते हैं गाइस। तो लंबाई हमारी है 36 इंच की, ठीक है? तो 36 इंच की हमारी लंबाई है। तो 1 इंच हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो 1 इंच माइनस करते हुए हम 36 इंच पर अपना निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम कर लेंगे सीधा। तो हमने निशान को भी सीधा कर लिया है। अब हम लेते हैं कमर की लंबाई नाप। तो कमर जो हमारी है वो है 34 इंच का। तो 34 का चौथाई होता है गाइस 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। 1 इंच हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे और 1 इंच हम इसमें लूजिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने ये लूजिंग का निशान लगा लिया है। अब हम क्रोच एरिया आसन निकालेंगे। तो आसन हम अपनी हिप के अनुसार निकालते हैं। हमारी हिप 36 है, तो 36 का चौथाई 9 होता है। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रख देंगे, तो हमारा टोटल हो गया ये 11 इंच। अगर आप इस तरीके से भी ना निकालें तो आप आसन जो पैंट का हम 12 इंच तक रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी आसन को रख सकते हैं क्योंकि सलवार का ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। तो इस तरीके से हमने निशान को मिला लिया है। अब यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और अपने आसन की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। मूरी रखेंगे, तो मूरी हमारी 12 इंच की है। तो हम ऊपर से पहले ये नाप लेते हैं। ये हमारा 10.5 हो रहा है, 10.5 का हम हाफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने हाफ पे निशान लगा लिया है, देखिए। और इसी तरीके से हम नीचे 10.5 पर निशान लगाएंगे और इसका भी हम हाफ कर लेंगे। हाफ हमारा 5.5 इंच हो रहा है इस तरीके से हम। तो हमें क्या करना है, बीच में देखिए साइडों में 3 इंच इधर से जो हमने बीच में निशान लगाया है और 3 इंच इधर से हमने 6 इंच की हमारी मोरी हो गई है बीच सेंटर से, देखिए। अब हम जो स्केल को इस तरीके से रखेंगे, देखिए, और जो हमने निशान लगाया है ऊपर साइड से हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए इसका इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से इधर से रखेंगे और इसको भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और नीचे से थोड़ा इस तरीके से आड़ा रख लेंगे। तो अब हम लगाते हैं डॉट का निशान। तो देखिए ऊपर हमारा 10.5 है, इसका भी हम हाफ कर लेंगे। तो ये भी हमारा 5.25 हो रहा है इस तरीके से। आधा आधा इंच हम साइडों में ले लेंगे, देखिए बीच सेंटर में रखेंगे और आधा इंच इधर करके हम निशान लगाएंगे और नीचे हम 4 इंच तक ले लेंगे। आप चाहें 4.5 रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन निशानों को मिला लेंगे, तो हमारे बीच में डॉट पड़ जाएंगी, देखिए। अब हम कर लेंगे अपनी पैंट की कटिंग। गाइस, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पैंट कटिंग करना आपको सिखाया है। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कट लगा लिया है, देखिए हमारा ये जो है फ्रंट पार्ट है। अब हम जो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमारा जो ये बचा कपड़ा था इसको भी हम इस तरीके से देखिए रखेंगे। जो खुली साइड है उसको हम अपनी तरफ रख लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था इसको रख लेंगे और साइड से मिलाते हुए ऊपर से मिलाना है इस तरीके से, देखिए। बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए इसको बराबर करते हुए हम रख लेंगे। तो हमने इसको रख लिया है। अब हम ऊपर देखिए इसको निशान लगाएंगे। ये हम 2 इंच अपना बेल्ट जो हम पीछे इलास्टिक डालेंगे उसके लिए रखेंगे।
तो हमने ये 2 इंच पर निशान लगा लिया है। तो गाइस हम इसको निशान को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, साइड से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए 1.5 इंच हम रख रहे हैं और 1.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे और निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से भी 1.5 इंच रखेंगे। आप चाहें 2 इंच भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2 इंच अगर हैवी साइज है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। मैंने ये 1.5 इंच रखा, 1.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे और इस निशान को यहाँ से जो हमने नीचे लगाया और इस निशान के यहाँ रखते हुए हम इसको भी स्केल से सीधा कर लेंगे। देखिए आपको ये जो और ये पट्टी हमारी ये स्केल वाली ये होनी बहुत ज़रूरी, इससे क्या होता है थोड़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। उधर की साइड से तो गाइस हम बराबर से कटिंग करेंगे, उधर से हमें कोई मार्जिन नहीं रखा है, इधर से हमने मार्जिन रखा है और इसको इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी पेंट कटिंग हो गई है गाइस। अब हम निकालते हैं बेल्ट पट्टी। तो देखिए हमने इसको कपड़े को डबल कर लिया है, जो हम आगे बेल्ट पट्टी लगाएंगे तो हम इसके 9.5 इंच रखेंगे इस तरीके से और चौड़ाई इसकी हम 4 इंच रखेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखी है हमने। अब जो हम पट्टी लगाएंगे तो हमने ये 4 इंच रखी है, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम पॉकेट भी कटिंग करेंगे गाइस। तो हमने कपड़े को देखिए, जो हमारे साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसको फोर फोल्ड करके इस तरीके से रखा है। जो लंबाई ले रहे हैं हम पॉकेट की वो हम 14 इंच लेंगे और इसकी जो चौड़ाई लेंगे गाइस वो हम 6 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमने 6-6 इंच पर निशान लगा लिया है और स्केल से निशानों को मिलाकर कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने निशानों को सीधा कर लेना है, पहले इधर का निशान भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो वैसे हमने कटिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे, नीचे से हल्की सी पॉकेट में गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिएगा तो हमने पॉकेट की भी गोलाई दे दी है।